अस्सलाम वालेकुम बोलो। अस्सलाम वालेकुम। पूछो क्या हाल है सबके। क्या हाल है सबके। बोलो मैं ठीक हूँ। वेलकम टू आवर चैनल। अजीन आप भी बोलो। वेलकम टू आवर चैनल। गुड जॉब। क्या करने वाले हैं हम? ये एक्टिविटी मेक करने वाले। वाओ, ये अजीन के स्कूल से एक्टिविटी आई थी, सबको पता ही होगा, जिसने वीडियो देखी है उसको पता होगा कि इसके स्कूल से एक्टिविटी आई थी और इसको आज हमने कंप्लीट करना है। अभी इसको पहले तो मैं इसको अच्छे से रीड करूंगी, ध्यान से इसको रीड करके इसकी ऐसी शायद ऐसा ये बनेगा, उसके बाद फिर देखते हैं। पूरा मैं इसको रीड कर लूँ पहले, उसके बाद फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी डन करने के लिए हमने नीचे गार्बेज बैग बिछाया है और हमने अपना जो बैलून इसके अंदर से निकला है ना, उसको भी हमने फुला लिया है और इसको मैं हैंग करूँगी यहाँ पे। और बाकी की जो एक्टिविटी है ना, साथ साथ करती हूँ, साथ साथ दिखाती हूँ। ग्लू ले लिए, इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। इसको ये ज़्यादा ही थिक है ना, तो इसको थोड़ा सा मैं पतला करूँगी, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, थोड़ा सा पानी ऐड करना इसके अंदर। ये जो वाइट स्ट्रिंग है ना, ये इसके ऊपर लपेटनी है, जैसे भी, मतलब इसको पूरा कवर करना है। ये लें जी, मेरा ये मिक्सचर रेडी है, पूरे का पूरा जो वाइट स्ट्रिंग थी वो इसके अंदर मैंने डिप कर दी है और या टेप इसका या इसके ऊपर टेप लगी हुई थी वो निकाल दी है, सारा उन्होंने इंतज़ाम करके दिया हुआ है। इसके ऊपर टेप थी, होल किया हुआ है, टेप है और इसको मैंने ऐसे निकाली जाना है और इसके इर्द गिर्द मैंने इसको रैप करी जाना। पूरा इसके ऊपर लगा दिया, अब क्या करना है, अब ये जो है ना स्पार्कली थिंग, ये इसके ऊपर स्प्रिंकल करनी है, इससे पहले कि ये ड्राई हो जाए। अगर ड्राई होगी फिर ये स्टिक नहीं होना इसके ऊपर, तो उससे पहले पहले ये इसके ऊपर स्प्रिंकल करना है। तो स्पार्कल्स भी लगा दिए हैं, अब इसको ऐसे ही हैंग रहना है ताकि ये ड्राई हो। जब ड्राई हो जाएगा ना, तो उसके बाद फिर दिखाते हैं कि और क्या करना है। बच्चों की किस चीज़ की एक्टिविटी होती है, वो एक्टिविटी तो माँ की होती है, बच्चे वो बैठे हुए हैं, अम्मा लगी हुई है इसको डेकोरेट करने के लिए। तो अभी फ़िलहाल ये मैं नीचे से फालतू चीज़ें ना, जो ये सारी उठा दूंगी, तब तक ये ड्राई हो जाएगा। या तब तक अगर ये ड्राई नहीं होता ना, तो आज हमारा प्लान है कि आज हम बाहर से लाइट्स देख के आएँ, जो क्रिसमस से डेकोरेट किए हैं सारे घर, बच्चे काफ़ी दिनों से कह रहे हैं, और मुझे एक स्पेशल इन्विटेशन भी है एक घर से। तो जब तक ये ड्राई होगा तब तक हम फिर सारे पासे फिर आते हैं। ये जनाब सब यहीं पे हैंग हैं और नीचे से मैस मैंने अच्छा खासा ही कवर कर दिया। ये अभी भी वेट है थोड़ा सा ना, थोड़ा सा नहीं, ये मतलब अभी और ड्राई होगा। और हम देखने जा रहे हैं अभी बत्तियाँ। मैं बत्तियाँ कहती हूँ ना, तो अजीन मुझे कहती है मम्मा बत्तियाँ नहीं है, लाइट्स हैं। तो हम लाइट्स देखने जा रहे हैं, वो लोग जाके गाड़ी में बैठ गए हैं और मैंने कहा मैं थोड़ा सा अपना क्लिप बना के ना तो फिर निकलती हूँ। तो अभी बस मैं भी निकल ही रही हूँ, वॉलेट ले लूँ अपना। चलें जी, वॉलेट मैंने ले लिया है और किचन की लाइट ऑफ कर देती हूँ, इसको देखते हैं कि ये किस हद तक ड्राई हो गया। निकलते हैं बस अब, बहुत प्यारा मौसम है, स्नो गिर रही है, नज़र आ रही है कैमरे में? हाँ नज़र आ रही है, बहुत प्यारा मौसम है। देखिए ज़रा, ये रात 10 बजे का टाइम है और अंधेरा देख के बिल्कुल नहीं लग रहा कि 10 बजे में अर्ली टाइम लग रहा है। सर्दी नहीं है, जब स्नो गिर रही होती है ना तब बिल्कुल भी सर्दी नहीं होती, तब मज़ा आता है स्नो के अंदर फिरने का। ये सैया जी बैठे हुए हैं गाड़ी में, क्या हुआ बाहर क्यों निकले? बच्चे बैठ गए। हेलो बच्चों। हेलो हेलो, कितना प्यारा है ना एंजल, बाहर स्नो गिर रही है ना, मौसम बहुत प्यारा है। और हमने अपने घर से निकल के अभी शायद 2 ही मिनट हुए और पहला घर ये इस साइड पे, मेरी राइट साइड पे है और यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं। प्यारा एंजल, मेरी विंडो से नहीं नजर आ रहा, मेरी विंडो स्नो ने कवर की हुई है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत है। ये देखें जी, इतनी प्यारी स्नो है, इस पे तो पाँव रखने को दिल नहीं कर रहा। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है ना। इनका कोई म्यूजिक वगैरह नहीं है, लेकिन बहुत से घर ऐसे हैं जिनके अंदर म्यूजिक भी चल रहा होता है, इसमें म्यूजिक वगैरह नहीं है, बस लाइट्स हैं, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा है। वो भी शायद बत्तियां ही देखने आए हैं।
जितने भी घर डेकोरेट किए जाते हैं ना, उनमें से सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव जो है ना वो ये वाला घर लगता है। इसकी क्वालिटी ये है कि ये इसकी जो लाइट्स है ना, ये FM के साथ अटैच होती हैं। मैं थोड़ा सा आगे जाने की ट्राई करती हूँ, लेकिन है थोड़ा सा ख़तरनाक कि ये साथ में ये है और मैं इसी के अंदर ही ना गिर जाऊँ। अभी मैं यहाँ पे खड़े होकर वीडियो बनाती हूँ। मैं सैया जी से कहती हूँ कि वो गाड़ी में इसके इसका जो म्यूज़िक चल रहा है ना, वो गाड़ी में प्ले करें। किसी को अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ये देखें, ये 93.1 FM के साथ इसका म्यूज़िक अटैच है और उसकी जो लाइट्स हैं वो उसी के अकॉर्डिंग चल रही हैं। मैं अदील से बोलती हूँ कि इसका वॉल्यूम ऊंचा करिए। इसको देखने का इतना मज़ा आता है ना, बच्चे भी इसको बहुत इंजॉय करते हैं। और जब यहाँ से जाने की बारी आती है ना, एंजल तो बिल्कुल भी एग्री नहीं होती है कि यहाँ से जाना है। इसकी लाइट्स बहुत प्यारी लगती हैं जो म्यूज़िक के साथ साथ चल रही होती हैं। चुप करना तो चाह रही हूँ, लेकिन मैं कॉपीराइट की वजह से बिल्कुल भी चुप कर नहीं पा रही हूँ। जब हेलोविन थी ना, तब भी इनका जो म्यूज़िक है ना, तब भी इनकी जो डेकोरेशन थी वो ऐसी ही थी। थोड़ा सा हेलोविन का स्टफ़ रखा हुआ था, लेकिन लाइट्स जो है ना वो सारी ऐसी थी और सॉन्ग हेलोविन के लगे हुए थे। और अब जो है ना वो सॉन्ग क्रिसमस के लगे हुए हैं। मुझे नहीं पता आवाज़ आपको ठीक से आ रही है म्यूज़िक की कि नहीं आ रही है, लेकिन हमें देखने का ये बड़ा मज़ा आता है। 93.1 FM के साथ ये इसकी जो लाइट्स है ना वो सारी अटैच हैं, और ये सॉन्ग के अकॉर्डिंग वो जो लाइट्स है ना वो जलती बुझती हैं, और बड़ा मज़ा आता है इसको देखने का। अजीन फन है। इधर से आओ। मैं बच्चों को लेके रोड क्रॉस करके उधर की तरफ जा रही हूँ, और अदील गाड़ी लेके उधर की तरफ आ रहे हैं। बच्चे इसको देख के बहुत एक्साइटेड होते हैं, सिर्फ इसकी बत्तियों की वजह से। घर इतने प्यारे डेकोरेट किए होते हैं, कोई एक भी घर ऐसा नहीं है जिसको बंदा कहे कि घर प्यारा नहीं लग रहा। लेकिन स्क्रीन लगी हुई है और ये घर की जो बत्तियाँ जो लाइट्स हैं वो म्यूजिक के अकॉर्डिंग चल रही हैं। हाँ जी, तरफ से हमें इनविटेशन आया था कि आप आओ। लास्ट टाइम इनकी वीडियो मैंने बड़ी डिटेल से दिखाई थी, लास्ट टाइम अंदर भी आई थी, मुझे याद नहीं था कि वो ये वाला घर है। लेकिन इनकी तरफ से हमें इनविटेशन आया था कि आप दोबारा से आओ और हमारा घर अपनी वीडियो में दिखाओ। कितनी रोशन रात है, 11:30 का टाइम है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है घर वापस आ गए। स्पेशली जिस घर के लिए हम गए थे, उस घर की लाइट्स ऑफ थी, उसका टाइम था 6:30 से 9:30 तक। अब उस घर में दोबारा से कल जाएंगे, उसकी लाइट्स ऑफ थी इसलिए उसकी वीडियो भी इतनी कोई ख़ास नहीं बनाई है। तो वहाँ पे अब हम कल जाएंगे, फिर बना के लाएंगे उसकी वीडियो। स्नो प्यारी लग रही है ना एंजल, शाइनी शाइनी। इस पे तो पाँव रखने को भी नहीं दिल करता होता। हाँ जी, क्या अच्छा जी। घर आके इसको चेक किया, लेकिन अभी भी ये इतना ड्राई नहीं है जितना इसको होना चाहिए, और मुझे लग रहा है कि ये इतना हार्ड होगा भी नहीं जितना इसको होना चाहिए। ग्लू कम है या क्या इशू है पता नहीं, लेकिन बच्चे मैंने सुला दिए, वो बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं कर रहे थे कि ये ड्राई हो रहा, हम बाकी की एक्टिविटी करें। लेकिन टाइम इतना ज़्यादा हो रहा था और उनको सुलाना ही बेटर था। बाकी इसको सुबह उठ के देखेंगे कि इसका क्या हाल होता है, और जो बाकी की एक्टिविटी है उसको सुबह उठ के देखेंगे। बस फाइनल टच हो रहा था, जो बाकी के जो काम होते हैं ना रात सोने से पहले के घर समेट लो ये और वो कर लिया था, बत्तियां बुझा दी थी। अब फाइनल मैंने बस बेडरूम में जाना है और फिर बस गुड नाइट है।
ड्राई ये मेरे ख्याल से तो हो चुका है और मुझे लगता है ये हार्ड इनफ भी है, तो अभी इसको हम ये हमने ये ले लिया एक पिन ले लिया और इसको अब हम पॉप करेंगे। इंद्र यहाँ से आप पकड़ोगे, यहाँ से पकड़ो, हाँ ये हिले नहीं। ओके 1 2 आपको याद है आप छोटी होती थी मैंने इसके ऊपर बिठा के नीचे से पॉप किया था, जोर से पकड़ो के ये हिले नहीं। 1 2 बलून इसके अंदर से निकाल लिया है और अब इसकी ये हालत है, अब इसको दुरुस्त करते हैं इसकी हालत को। एंजल छोड़ दो मानो, ये बहुत नाजुक है। ये देखें जी, ये हमारी इसकी फाइनल लुक है, थोड़ा सा मैसी है क्योंकि लेकिन ने किया हाँ ट्राई हमने की कि हमसे बेस्ट बने, लेकिन हम भी एक्सपर्ट नहीं थे। बस ये इसकी फाइनल लुक है। और वो पॉलर बियर ने मेड ऑफ कॉटन स्पॉट। हाँ जी, हमने ये जिंगल बेल्स लगाई हैं और ये स्नोमैन, ये लाइट्स लगाई हैं इसके ऊपर, ट्री है और ये भी ट्री है। ठीक है, ये हमारी मेहनत रंग लेके आई हुई है। ये बीन्स ना लाइक स्नोबॉल्स होते हैं। हाँ जी, इसके साथ ही अब हमने अपनी वीडियो का एंड करना है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये वाली मेहनत और रात वाली बत्तियाँ पसंद आई होंगी, और अगर पसंद आई हो तो फिर थम्स अप, और जो चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, दुआ में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।